Love, 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 love
अभी दीपावली का अवसर आ रहा है और ऑटो भी हाल में बहुत सुंदर राम मंदिर के तत्वावधान में दीपावली का उत्सव मनाया गया। दीपावली आप जानते हैं भगवान श्री राम जी रावण को मार के आए और अयोध्या निवासियों ने भगवान का स्वागत किया, सत्कार किया, घी के दीपक जलाए और दीपावली मनाई। भगवान राम के राज्य काल में भगवान राम जब राजा बने तो ऐसा लिखा है, राम राज कर सुख संपदा बरन न सके अनीस सारदा। राम जी के राज्य में जितना सुख जितनी संपत्ति थी, हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और राम जी राजा बने हैं तो राम जी रावण को मार कर आए हैं तो उनकी स्मृति में आज भी हम लक्ष्मी पूजा और भगवान राम का स्मरण करते हैं। तो कहते हैं कि जब राम जी राजा बने तो कितनी लक्ष्मी राम जी के पास आई, तो कहते हैं जितनी सुख संपत्ति जो अयोध्या में जितनी थी उसका वर्णन कोई करे तो वर्णन ही न सके अनीस। अनीस कहते हैं शेषनाग, शेषनाग को 1000 सिर है, 1000 मुंह है, 1000 सिर से अगर 1000 मुख से अगर उनका वर्णन किया जाए कि राम जी के पास कितनी लक्ष्मी जी आई, कितनी सुख संपत्ति आई, राम राज कर सुख संपदा और बरनी ने सके अनीश, अनीश माने फन फन वाले जो शेषनाग भगवान है वो भी वर्णन नहीं कर सकते अपने हजार मुखों से, और शारदा जो वाणी की देवी हैं सरस्वती वो भी वर्णन नहीं कर सकती राम जी के ऐश्वर्य का, राम जी की सुख संपत्ति का। एक रामायण में उत्तरकांड में बिल्कुल साफ लिखा है, आप पढ़िए, उसमें लिखा भूमि सप्त सागर मेखला एक भूमि रघुपति कोसला। गोस्वामी जी लिखते हैं ये वेदों में पुराणों में रामायण में जो लिखा है सब वेदों में पुराणों में से ही सब लिखा है। धरती के ऊपर, सारी धरती के ऊपर क्या है, 7 सागर हैं और 7 सागर के बीच बीच में रहने की जगह बनी हुई है। सागर में तो जल में तो कोई रह नहीं सकता, तो जल के किनारे वो द्वीप बने हुए हैं, 7 द्वीप हैं सारी धरती के ऊपर। तो कहते हैं सप्त भूमि सप्त सागर मेखला, मेखला कहते हैं जैसे हमारी माताएं बहने उसको करदनी पहनती हैं, करदनी जो साड़ी पहनती है, साड़ी के ऊपर एक बहुत बढ़िया सोने की चांदी की एक मेखला होती है उसको करदनी पहनती हैं, गोल गोल उसको बांध लेती हैं। तो वैसे ही मेखला के जैसा वो क्या है, सागर है, धरती तो नहीं है और धरती को, धरती के ऊपर मेखला की तरह से वो समुद्र है, समुद्र धरती का श्रृंगार करते हैं, ऐसा गोस्वामी जी की शब्दों का बहुत सुंदर प्रयोग है। भूमि सप्त सागर मेखला, 7 सागर हैं और 7 ही द्वीप हैं, मैंने आपको नाम बताए थे, जम्मू द्वीप जिसमें भारतवर्ष आता है, ऐसे प्लक्ष द्वीप, क्रौंच द्वीप, साकल द्वीप, ये सब द्वीपों के नाम है। तो 7 द्वीप और 7 सागर, द्वीप माने जहां लोग रहते हैं, तो इतने
माने सारा संसार हो गया, उसके एक भूख रघुपति को सना, उस सारी सातों सागर वाली जो करदनी को पहनकर जो धरती माता है, सारी धरती माता के राजा कौन है? राम जी। एक भूख, एक राजा है रघुपति खोसला, अयोध्या के राजा, वो सारी धरती के राजा थे। वो आपको ही कहे कि नहीं इंग्लैंड अलग है और अमेरिका अलग है, तो ये रामायण में आपको लिखा है कि इंग्लैंड और अमेरिका भारत के ही छोटे छोटे प्रांत थे। जो भी कोई देश दुनिया भर के हैं वो सब आज हम कहते हैं कि वो इंग्लैंड अलग है और भारत अलग है, भारत अलग है। तो भारत, भारत के लिए वीजा लेना पड़ता है, इंग्लैंड वाले को, भारत वाले को इंडिया के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। एक राम के राज्य में सारी धरती के राजा राम थे, ऐसा रामायण में लिखा है, उत्तरकांड में। अब और एक और चौपाई बहुत बढ़िया बोलते हैं, समझने की बात है। हम तो कहते हैं राम इतने बड़े हैं, अब कोई तो कहते हैं राम तो दशरथ के लड़के हैं और अयोध्या में पैदा हुए हैं, कोई तो इतना ही समझते हैं, कोई कहते हैं नहीं उन्होंने तो रावण को मार दिया था और इतने शक्तिशाली हैं, धीर हैं, तो बहुत बड़े राम हो गए। लेकिन यहां गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, सारी धरती के एक राजा है तो और भी बड़े राम हो गए। सारी धरती के राजा है अकेले, क्योंकि इंग्लैंड का राजा अलग है, अमेरिका का अलग है, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं और दूसरे देशों के अलग अलग हैं। लेकिन यहां यहां तो सब सबके राजा राम थे, ऐसा समय था, तो बहुत बड़े हो गए, सारे संसार के राजा हो गए। लेकिन आगे आगे बहुत बढ़िया बात कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। प्रतिदासु यद प्रभुता कछु बहुत प्रतिदासु यद प्रभुता कछु बहुत मोहन अनेक रो प्रतिदासु सरकार में पढ़ रहा था राम राज्य के प्रसंग में, भुवन अनेक रोम प्रतिजासु। ये तो हमने कहा कि राम सारे संसार के मालिक हैं, क्योंकि भूमि सप्त सागर मेखला एक भूमि रघुपति खोसला, सारी सातों सागर से जो युक्त जो धरती है सबके एक राजा राम। ये राम जब राम राजा बने तो सारी धरती के राजा बने। लेकिन गोस्वामी जी और बात बताते हैं, जो वेदों में परमात्मा के लिए कहा गया है, वेद का मंत्र है अणो ऋणीयान महतो महीयान। भगवान की विशेषता यह है, वो किसी संसार में दूसरे की विशेषता नहीं हो सकती, कि भगवान बड़े से बड़े हैं और भगवान छोटे से छोटे, छोटे से छोटे, कितने छोटे हैं? इतने छोटे हैं कि हमारे हृदय में रहते हैं। बताओ, वो संसार के मालिक हैं, इतने हैं, इतने छोटे हो जाते हैं कि उन हमारे हृदय में रहते हैं, वो तो चलो रहते हैं, लेकिन एक चींटी के हृदय में रहते हैं, और चींटी को तो चलो हम देख लेते हैं। एक ऐसे जो जीव होते हैं जो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, जो वैसे एक पानी की बूंद में कितने हजारों लाखों जीव होते हैं, एक दूध की, दूध का एक ड्रॉप ले लीजिए और उसको माइक्रोस्कोप के सामने लगाइए, जो लेंस होता है उसमें आपको हजारों जीव दिखाई पड़ेंगे,
और वो चलते हैं। जो ब्लड की हमारी एक एक जो बूंद होती है, एक ड्रॉप होती है, उसमें साइड स्लाइड बनाते हैं और डॉक्टर लोग उसको परीक्षण करते हैं लैब में, लेबोरेटरी में। तो उसमें कितनी सेल्स होती हैं, कितने, और सब में जीव होता है, सब में जीवन होता है, और उसमें सबका हृदय होता है। वो देखो हमारे शरीर में करोड़ों करोड़ों जीव, तो हमारे शरीर में करोड़ों क्या कितने रहते हैं, क्योंकि एक बूंद में कितने रहते हैं, ये सोचो। और सबके, उन जीवों की सबके हृदय में भगवान रहते हैं। तो भगवान कितने, जो हमारा जो एक बाल है, उस बाल का भी करोड़ों का हिस्सा किया जाए, बहुत और भी जिसे कोई देख ही ना सके, तो उस वो उसमें भी भगवान कितने सूक्ष्म हो सकते हैं, कितने छोटे से छोटे हो सकते हैं और कितने बड़े से बड़े हो सकते हैं। लेकिन बताते हैं कि भगवान का जो एक रोम, रोम कहते हैं जो एक ही छोटा सा जो बाल है हमारे हाथ में कहीं, जो क्या रोआ, संस्कृत में रोम कहते हैं, रोम, रोआ जो है हमारा, तो इसमें रामायण में लिखा भगवान अनेक रोग प्रति जासु, प्रति माने हर हर रोग में, हर रोग जो है उनका। तो एक बाल जहां उगता है हमारे शरीर में छोटा सा, तो वहां पर कितनी जगह लेता है, तो छोटी सी, इतनी सी जगह लेता है। लेकिन भगवान का जो रोग है, उस एक रोग में, एक रोआ में कितने भगवान अनेक, उनमें अनेक माने करोड़ों भुवन, भुवन माने करोड़ों लोक, उस एक रोम में भगवान के रोम में रहते हैं। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, प्रत्येक रोम में उनके करोड़ों ब्रह्मांड रहते हैं, करोड़ों लोक रहते हैं। करोड़ों ऐसे लोक का मतलब देश नहीं होता, लोक का मतलब होता है जैसे भूलोक, एक लोक है, उसके ऊपर भूवर लोक, फिर स्वर्ग लोक, महालोक, जनलोक, तपालोक, सत्यलोक, ऐसे लोक, ऐसे जो लोक है उनमें हम तो एक देश की बात करते हैं कि उस देश के वो उस देश के वो राजा हैं, ऐसा इंग्लैंड के राजा, अमेरिका के राजा, ऐसे हम बोलते हैं, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हम बोलते हैं। लेकिन उन लोकों के जैसे ब्रह्मा का लोक है, तो ब्रह्मा जी एक एक लोक के, उसमें भी ब्रह्मांड है, बहुत सारे ब्रह्मांड है, उसमें पता नहीं कितने ब्रह्मा है, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो ये, लेकिन ये सब कहाँ रहते हैं, भगवान के एक रोम में रहते हैं, एक रोम ही में रहते हैं। अब सोचो तो रोम एक, तो कहते हैं भुवन अनेक रोम प्रति पासु, यह प्रभुता कछु बहुत न पासु। तो अगर उनको ये कह दिया हमने कि राम जी सारी धरती के राजा हैं, तो इसमें क्या बहुत बड़ी बात होगी, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु, उनके लिए ये प्रभुता कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि जिनके रोम में करोड़ों ब्रह्मांड रहते हैं, करोड़ों लोक रहते हैं, वो अगर कह दें कि वो संसार के राजा हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं। लेकिन इसमें हम लोगों को थोड़ा स्वाभिमान होना चाहिए कि एक महात्मा कहते थे कि हे प्रभु, हमने सुना है कि आप हमारे दिल में रहते हो, हमारे आप हमारे हृदय में रहते हो, तो कब से रहते हो। भगवान से पूछा, भगवान ने कहा जब से तुम हो तभी से हम तुम्हारे हृदय में रहते हैं, जब से मैं, जब से संसार में तुम आए हो। गीता में लिखा है ईश्वर और सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति, गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन ने पूछा आप कहाँ रहते हो, बोले मैं सबका ईश्वर हूं, बोले फिर कहाँ रहते हो, बोले सबके हृदय में रहता हूं। तो भक्त को मौका मिल गया, उसने कहा कब से रहते हो, कि जब से तुम हो संसार में तभी से रहता हूं, तो आज तक हमारे दिल में रहते हो और हमारे दिल, हमारे दिल को आपने ऑक्यूपाई कर लिया, किराया तक दिया नहीं कभी, किराया दो जब रहते हो तो मुफ्त में रहते हो। भगवान को लगा बात तो ठीक है, भगवान ने कहा अगर हम किराया नहीं देंगे तो किराया नहीं दोगे तो हम आपके ऊपर मुकदमा करेंगे, कोर्ट में ले जाएंगे। बोले कौन से कोर्ट में ले जाओगे, बोले सीता जी की कचहरी में ले जाएंगे।
सीता जी की कचहरी में आपको ले, और फिर वहां क्या करोगे कि आपका जो सारा खजाना वो सब वो पूरक करा देंगे, सारा आपका जब्त करा देंगे। तो खजाना कौन सा? आपका जो दया का खजाना है, आप जीवों पर दया करते हो। इसलिए क्या करें? बोले इसलिए आपका भला इसी में है कि हमारा आज तक का हिसाब, जब से हमारे हृदय में रहते हो तब तक का हिसाब लगा के सारा किराया दे दो। भगवान ने कहा ठीक है, बोलो तुम्हारा कितना, तुम कैलकुलेट तुम ही कर लो कितना किराया हुआ तुम्हारा, हम दे देते हैं। तो बाद में कहते प्रभु हमें क्या चाहिए, हमें अपनी शरण दे दो, हमें अपनी कृपा दे दो और अपनी भक्ति दे दो, अपना प्रेम दे दो, यही तो हमारा किराया है, और हमें अपने चरणों में विश्राम दे दो। तो भक्त की बहुत बड़ी बात है। तो भक्त, भक्त को थोड़ा स्वाभिमान भी होता है कि भगवान तो मेरे हृदय में रहते हैं। एक महात्मा कहते हैं कि भरोसा खुदा पर, भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। क्योंकि भगवान में भरोसा है तो भगवान जो तकदीर में लिखेगा वही मिलेगा। भरोसा खुदा पर है तो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। आपको अगर ये भरोसा हो जाए कि भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, अपने ऊपर भरोसा हो जाए कि भगवान हमसे दो, हमें भरोसा होता नहीं है, हमारी सांस वो चला रहे हैं, हमारा भोजन वो पचा रहे हैं, हम हमें बोलने की शक्ति वो दे रहे हैं, हमें सुनने की शक्ति वो दे रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि नहीं भरोसा नहीं है। तो भरोसा अगर भगवान पर है तो भगवान जो देंगे वो मिलेगा, लेकिन अगर भगवान, अगर भरोसा अपने ऊपर है कि हम किसी से कम नहीं, हम भगवान के भक्त हैं, क्योंकि रामायण में ऐसा भी लिखा है, अस अभिमान जाई जनी भोरे में सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान संसार में करना हो ऐसा अभिमान करो कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हृदय में विराजते हैं, हम भगवान, भगवान के सेवक हैं, भगवान हमारे मालिक हैं। तो ये अब उसने गोस्वामी जी ने आगे लिखा, सो महिमा समुजत प्रभु केरी यह वर्णत हीनता घनेरी। अगर आप भगवान की वो महिमा समझ लो, सो महिमा, कौन सी महिमा? वो महिमा की जिनके एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड रहते हैं, अनेकों लोक रहते हैं, वो महिमा कि जब भगवान के एक रोए में इतने सारे संसार रहते हैं, तो वो महिमा अगर कहने लग जाओ तो फिर हम कहेंगे उन्होंने रावण को मार दिया और वो अयोध्या के राजा बन गए, तो इसमें क्या हो गया? ये तो कुछ भी नहीं है। जब उनके एक रोम में इतने संसार बसते हैं तो रावण को मारना क्या हुआ और अयोध्या के राजा हो गए तो क्या हो गया? ये तो कुछ भी नहीं। सो महिमा समझत प्रभु केरी, अगर वो महिमा समझ लो तो फिर यह वर्णत हीनता घनेरी। तो ये वर्णन करते हुए लगेगा ये तो छोटी है, ये तो इसमें कुछ है ही नहीं, सीता चुरा ली तो वो मार दिया तो ये हो गया, इसमें क्या रखा है फिर? ये तो रामायण में कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी आगे कहते हैं, काकभूषण जी गरुड़ जी को सुनाते हैं कि सो महिमा खगेश जिद जानी फिर यही चरित्र तीनहु प्रतिमान। ऐसा नहीं है कि अगर वो महिमा जान लोगे तो फिर रामायण के पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन जब वो महिमा जानते हैं तो अब हम तो कहते हैं भाई तुम किसकी बात करते हो? बोले हम राम जी की बात करते हैं। अरे वो राम दशरथ का लड़का था, उसकी घरवाली को रावण चुरा के ले गया था और उसने रावण को मार दिया था, इतनी सी बात करते हो? बोले नहीं, वो राम जो जिनके एक एक रोग में सारे लोग लोकांतर रहते हैं, वो राम जो सारी धरती के मालिक नहीं बल्कि सात संसार में जो ये लोग, धरती तो एक लोक है, ऐसे भी 14 लोक हमारे 14 लोक को एक ब्रह्मांड कहते हैं और उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के एक रोग में रहते हैं। तो ये जो बात है तो कहते हैं कि फिर
हम इतने बड़े परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं, तो फिर यही चरित्र तीनों रतिमान उनको फिर ये चरित्र सुनने में कहने में बहुत आनंद आता है कि हम जो कथा कर रहे हैं किसी साधारण व्यक्ति की कथा नहीं कर रहे, एक पुरुष की कथा नहीं कर रहे, अयोध्या के राजा की कथा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम तो जो संसार में जो ओमनीप्रेजेंट ओमनीपोटेंट सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान जो परमात्मा है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो देखो एक बात हम अभी हम आपको निवेदन कर रहे थे कि दीपावली जो मनाई जाती है राम राजा बने, तो आपको मैंने थोड़ी सी राम की महिमा बताई कि राम जी कितने बड़े हैं और राम जी ने जो शासन किया, राम के राज्य में क्या है, पैसा आ जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन राम हम लोगों को पैसा मिल जाता है हम तो इतना कमा लेते हैं, ये तो बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन राम के राज्य में क्या होता था, राम के राज्य में इतने लोग रहते हैं कैसे हैं वो सब उदार सब पर उपकारी 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 विश्व कर्म सिर पुष्कर नामी सब उदार सब देखो राम राजा है तो राम के राज्य में जो प्रजा है, आप देखो सोचने की बात है कि मैं राजा हूं तो राजा हो तो प्रजा कहां है, पूरी प्रजा तो नहीं है तो हम राजा, जो राजा प्रजा नहीं तो राजा क्या, राजा वही होता है जिसकी प्रजा होती है, कोई कह रहा हूं कमांडर है तो कमांडर किसके हो, तो सेना के कमांडर होते हैं ना, सेना होगी तभी तो कमांडर हो गए, प्रजा होगी तभी तो राजा हो गए, तो प्रजा की महिमा है, कोई कहता है हम भगवान है तो भगवान है तो किसके भगवान, भक्तों के भक्त हैं तभी तो भगवान है, भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहां होगा, भक्त हैं तो भगवान है, प्रजा है तो राजा है, तो प्रजा की महिमा है, राम जी की प्रजा तो दीपावली जो मनाई जाती है उसमें राम जी की महिमा है, और दीपावली में लक्ष्मी जी का पूजन होता है, सीता जी साक्षात लक्ष्मी जी हैं और वो आई हैं अयोध्या वाले उनका स्वागत करते हैं, हम हमारे घर में लक्ष्मी जी की पूजा करें और जो घर की लक्ष्मी है घरवाली उसको घर से बाहर निकाल दें तो काहे की पूजा हुई, हमारी घरवाली है हमारी माता जी है हमारी बहन है, तो हमारे जो परिवार में जो महिलाएं हैं माताएं बहन बच्चियां हैं उनका आदर हो सम्मान हो सत्कार हो, तो ये लक्ष्मी पूजा में विशेषता होती है, तो उसमें
बताते हैं सब उदार सब पर उपकारी। राम जी के राज्य में सब उदार है, उदार है सबके मतलब उनमें सब लोग उनको किसी को देने में संकोच नहीं होता। हम लोग पैसा बहुत कमा लेते हैं लेकिन किसी को जहां पैसे की जरूरत हो वहां जब देने का नंबर आए चुपके से हम निकल जाते हैं। तो उदारता हमारे मन में नहीं होती कि हमें किसी को देना भी है, हम तो देना देना नहीं जानते। वो कहते हमारे भारतवर्ष में एक जाति होती है वो उनको कहते हैं लाला, तो लाला जी कहते हो, वो लाला जी मैंने ला देने का काम नहीं, ला लाला लाला ला ला, 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 ला। बोले हमारा हम लाला है हम देना जानते हैं ला ला, लेकिन हम लोग लाला बन जाए अगर लेने का ही काम हो। लेकिन राम के राज्य में सब उदार सब पर उपकारी, दूसरों को कहां जरूरत है, निजी व्यक्ति को जरूरत है, हमारे पास दस दस जोड़ी कपड़े हैं तो हमें जरूरत है एक कहीं वो जरूरी उनको होमलेस को कपड़े दे दे, ये हमारे पास इतने कपड़े हम क्या करेंगे, हम किसी को दे दें, इतने जूते हम क्या करेंगे कहीं जाकर किसी को दे दें, कोई थ्रिफ्ट स्टोर में दे दें बेचारे सस्ते में कोई ले जाएगा, कहीं कोई दान कर दें किसी को दे दें, तो निजी लोगों को हो जाए। हमारे महात्मा कहते हैं जैसे नाव में अगर पानी भर जाता है तो लोग क्या करते हैं, दो हाथ उलीजिए यही संतन को काम। जैसे नौका में धन नौका में पानी आ जाए और घर में संपत्ति आ जाए उसको दोनों हाथों से देना बांटना दान करना, लोगों को खिलाओ बढ़िया, किसी को मिठाई खिलाओ भोजन खिलाओ ऐसा खिलाओ, कोई जरूरत की चीज उसको वस्त्र दो किसी को, तो ये और क्या करो राम के राज्य में क्या कर, सब उदार सब परोपकारी, दूसरों का ध्यान रखते, दूसरे को खाने का ध्यान रखते, दूसरे के पहनने का ध्यान रखते हैं, उसके पास कपड़े हैं कि नहीं, उसके पास भोजन है कि नहीं, उसको किस कोई भूखा तो नहीं है, लोग दूसरों का ध्यान रखते हैं राम के राज्य में। अगर हम लोग ऐसा करने लग जाए तो हम भी राम के राज्य में पहुंच जाएंगे, सोचने की बात। और फिर और कहते हैं विप्र चरण सेवक नर नारी, सारे जो नर नारी स्त्री पुरुष हैं राम जी के राज्य में ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करते हैं। तो ब्राह्मणों के चरणों की सेवा क्यों करते हैं, ब्राह्मण रिचुअल्स कराते हैं, ब्राह्मण पूजा कराते हैं, ब्राह्मण कथा सुनाते हैं, ब्राह्मण ज्ञान देते हैं, ब्राह्मण भक्ति और भक्ति का तरीका बताते हैं, कैसे भजन होगा उसकी टेक्निक समझाते हैं, कैसे मेडिटेशन होगा, कैसे पूजन होगा, पूजा में कैसे करना चाहिए ये सब बताते हैं। तो इसीलिए तो उनके उनकी तपस्या थी कि राम जी जीत गए और लक्ष्मी जी, जिन लक्ष्मी जी को रावण चुरा के ले गया था, अगर लक्ष्मी जी कहीं चली भी जाएंगी तो लक्ष्मी जी को वापस लौट के आना पड़ेगा। हमारे महात्मा बोलते हैं कि बंदा सत नहीं छोड़िए, सत छोड़े पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी बहर मिलेगी आए। अगर सच्चाई है तो सत्य को ही परमात्मा कहते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य परमात्मा है, और पर लक्ष्मी कौन है, परमात्मा की पत्नी है। तो जहां पति रहेगा पत्नी तो वहीं रहेगी, तो जहां सत्य रहेगा वहां पर लक्ष्मी जी रहेंगे, सत्य के साथ लक्ष्मी रहती है, सत्य अनुसारणी लक्ष्मी। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी बात कही राम जी के बारे में, और थोड़ा सा क्योंकि हम लोगों की दिवाली अभी जो आने वाली दिवाली है वो 22 तारीख को दिवाली है, हम आपको बता भी दें क्योंकि कई लोग जानते नहीं हैं, कई लोग क्या करते हैं यहाँ से लोग भारतवर्ष टेलीफोन करते हैं कि दिवाली कब की है, वो लोग बोलते हैं 23 तारीख की, बोले हम तो 23 को मनाएंगे ठीक है, लेकिन होता क्या है कि हमारी जब 23 होती है तो उनकी 24 हो जाती है, जब उनकी 23 होती है तो हमारी 22 होती है, तो और उसमें हमारे पास 23 तारीख को जो हमारी वैंकूवर की 23 होगी यहाँ की शरीर की हम लोगों के पंचांग के अनुसार, तो जो अमावस्या होगी वो 23 तारीख को 2:14 तक 2:15 समाप्त हो जाएगी। तो रात को आप कैसे लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे, रात को दिवाली मना नहीं सकते, तो 23 तारीख को फिर सूर्य ग्रहण पड़ेगा उसमें भी अमावस्या, उसमें भी मना नहीं सकते दिवाली, रात को जब लक्ष्मी जी जब अमावस्या है ही नहीं तो कैसे मनाएंगे। तो 22 तारीख को समस्या क्या है, सूर्य उदय अमावस्या में नहीं होगा,
क्योंकि 2 बजे तक चतुर्दशी है, 2-2:15 बजे के बाद अमावस्या आएगी, तो लेकिन रात को तो अमावस्या रहेगी ना, तो 22 तारीख को रात को हम दीपावली मनाएंगे। आप लोग ध्यान रखना 22 तारीख को मनाना वैंकूवर के संचार के अनुसार, और लोगों के साथ जाना है तो जैसे आपकी इच्छा हो आप स्वतंत्र हैं वैसे कर सकते हैं, लेकिन वैंकूवर के संचार के अनुसार ऐसा है। तो थोड़ा सा जरा माता जी का स्मरण करें बड़े प्रेम से, क्योंकि इसमें दीपावली में अभी हमारा जो शुक्रवार आएगा वो दीपावली के बाद आ जाएगा, इसलिए आदि 17 है 17 24 को आएगा, 23 को 22 को ही दीपावली हो जाएगी। तो थोड़ा सा हम लोग उनका माता जी का स्मरण करें बड़ी श्रद्धा से बड़े प्रेम से। कमी नहीं माँ तेरे खजाने, कमी नहीं माँ तेरे खजाने, जो तुझ पे भरोसा कर जाते, तुझ पे भरोसा
आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। मैंने कहानी किसी से सुनी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं आपको भी आपके साथ शेयर करूं। कहानी कोई पुराण की नहीं है, लेकिन मूल इसका पुराण से हो सकता है। साधारण सी कहानी है, बड़े अनुभव की, कि एक राजा था और उस राजा के घर में बेटा नहीं था। तो राजा को लगा कि मेरे घर में बेटा नहीं है, तो मेरी उम्र बढ़ती जा रही है और मेरे बेटा नहीं होगा, तो मैं ये अपनी जो राज्य संपत्ति है ये मैं किसको ट्रांसफर करूंगा, किसको दूंगा, क्योंकि राजा को तो उत्तराधिकारी चाहिए, राजकुमार किसको कह सकते हैं, उसको कोई बच्चा ही नहीं हुआ। उसने बड़े बड़े पंडितों से, विद्वानों से पूछा, भाई हमारे घर में बेटा नहीं है तो कोई उपाय नहीं हो सकता, क्योंकि दशरथ जी के घर में बेटा नहीं था। तो वशिष्ठ जी को पूछा तो वशिष्ठ जी ने कहा यज्ञ करो और तुम्हारे बेटा हो जाएगा। तो चार बेटे हुए थे, तो हमारे नहीं हो सकता है। तो राजा को कोई राजा ऐसा रहा कि उसका कुछ ऐसा प्रभाव नहीं था, उसको कोई वशिष्ठ जैसे गुरु तो नहीं मिले। वशिष्ठ जैसे गुरु मिलेंगे तो राम को ही तो मिलेंगे, दशरथ को मिलेंगे, कम से कम हमारे गुरु अकॉर्डिंग टू मी जैसा मैं हूं वैसे गुरु हमको मिल जाते हैं, क्योंकि हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे गुरु कैसे मिले हमको, जैसे हम है वैसे ही मिल गए और क्या। राम जी को वशिष्ठ जैसे गुरु मिले, विश्वामित्र जैसे गुरु मिले। तो राजा को कोई गुरु मिले, गुरु ने क्या कहा कि तुम्हारे लड़का हो जाएगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा। गुरु जी ने कुछ मिसगाइड किया, गुरु जी ने कहा कि एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या, किसी एक लड़के की तुमको बलि चढ़ानी पड़ेगी तो तुम्हारे लड़का हो जाएगा। ऐसे कई लोग मिसगाइड करने वाले मिल जाते हैं। राजा ने कहा कि एक बच्चे की जान देनी पड़ेगी। बोले क्या है, तुम इतने बड़े राजा हो, एक लड़का खरीद लो कहीं से। राजा ने कहा, पहले बहुत दिन तक सोचता रहा, लेकिन रानी ने कहा कोई बात नहीं, खरीद लेते हैं, क्या है, और खरीद के किसी बच्चे की बलि चढ़ा देंगे। तो राजा ने मंत्रियों को बुलाया और घोषणा कराई कि जो कोई हमें अपना बेटा देगा उसको हम 10 लाख सोने के सिक्के देंगे। 10 लाख, एक सिक्के में 10 ग्राम वेट होता है। अब सोचो 10 लाख ग्राम सोना मिले, अब उतना एक बच्चा दे दो। लेकिन लोगों ने सोने की ओर देखा तो सोना तो बहुत है, अमीर बन जाएंगे, पैसा पैसा ही पैसा हो जाएगा, लेकिन हम तो अपना बेटा नहीं देंगे। कौन अपना बेटा दे ले, किसी ने अपना बेटा नहीं दिया। बहुत दिन हो गए, राजा ने फिर मंत्रियों को कहा कि किसी का बेटा कोई देता नहीं, हमने तो 10,000 10 लाख जो हमने रुपया सोने के सिक्के देने को कह दिया है, तो फिर भी कोई नहीं देता। बोले महाराज कोई नहीं देता, जाके लोगों से पूछो जिनके ज्यादा बच्चे हैं वो एक बच्चा ले लो कहीं से, हम बलि चढ़ा दें। मंत्री लोग गए, अरे भाई तुम्हारे कितने बच्चे हैं, बेटे हैं, एक व्यक्ति ने कहा हमारे 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं, तुम्हारा घर कैसा बनिए घर है, टूटा फूटा घर पड़ा है, और तुम्हारे पास गाड़ी वाड़ी बोले कुछ नहीं है। बोले एक बेटा भेज दो, 10 लाख सोने के सिक्के मिल जाएंगे और बढ़िया घर बना लेना और बढ़िया मकान, सब चीज तुम्हारे घर में, मौत जीवन भर बड़े आराम से बीतेगा। बोले हम विचार करते हैं, पति पत्नी ने विचार किया और दोनों राजी हो गए। उन्होंने कहा चलो 3 बच्चे हैं, 2 तो हमारे फिर भी रहेंगे ना, एक बच्चा हम दे देते हैं। लेकिन मालूम है कि एक बच्चा जो दिया जाएगा उसको राजा बलि चढ़ाएगा, ये मालूम है, लेकिन लोभ जो होता है, लोभ पाप का कारण होता है। लोभ आया और बच्चे को उन्होंने, ठीक है महाराज एक बच्चा हम दे देंगे, कब दोगे, आ जाना अगले महीने। दोनों तीनों बच्चों को बहुत प्रेम से रखा, अगले महीने पता नहीं कौन सा, फिर पति पत्नी बोले कौन सा दोगी। पति ने कहा तो बड़े वाले को दे देते हैं, 3 बच्चे बड़े वाले को दे दें।
पत्नी पत्नी कहती सुनो बड़े वाला जो है वो तुम्हारे बिजनेस में काम बटाता है, तुम्हारे हाथ बटाता है, बड़ा हो गया है उसका शरीर बड़ा मजबूत है, दोनों छोटे बच्चे तो तुमको पालने पड़ते हैं, वो थोड़ा सा पाल पोस लिया है, लेकिन छोटे बच्चे कितने दिन के बाद बड़े होंगे, तुमको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे विचार से बड़े को देना ठीक नहीं है, उसको कहीं भेज देते बाजार शॉपिंग चले जाओ, वहां सामान ले आओ, वहां सामान उठा लाओ, वहां ये काम कर दो तो चला जाता है, तुम नहीं होते हो कई बार तो मेरे बहुत सारे काम संभाल देता है। उसने कहा क्या करें, तो छोटे वाले को दे दें। घरवाली कहती छोटे वाले को दे दोगे तो छोटे वाला तो बहुत छोटा है, उस बेचारे ने तो भी संसार क्या देखा है, वो तो कहीं हमारे मेरे बिना एक घंटा रहता नहीं, पीछे मां रोटी दे, मां दूध दे, मां क्या कर रही है, मैं अपने छोटे बच्चे को तो नहीं दे सकती, वो तो मुझे बहुत प्यारा, मेरे पास सोता है, मेरे पास खाता है, उस छोटे से बच्चे को, उसने भी दुनिया में अभी तो आया है बेचारा, उसको दे दोगे। उसने कहा फिर क्या करें, पति ने कहा फिर तो एक ही रह गया, तीसरा बीच वाला, तो बीच वाले को दे देते हैं। मां ने कहा हाँ बीच वाले को दे दो। देखो अब बीच वाले को, अब बीच वाला सुन रहा था सारी बात, बीच वाले ने सोचा कि देखो हमारे माँ बाप कैसे हैं, ये मेरे माँ बाप ने बड़े को रख लिया, बड़े को नहीं दिया, छोटे को भी नहीं दिया, लेकिन मैं बीच वाला हूं, हे भगवान तूने मुझे बीच वाला काय को बना दिया। हमारे महात्मा कहते हैं तो एक बात ध्यान रखना, एक महात्मा ने मुझे श्लोक सुनाया, आगता यदा लक्ष्मी। आप कहोगे इस कहानी का दीपावली से क्या संबंध है, तो जरा सा ध्यान देने की बात, एक महात्मा ने एक हमें श्लोक सुनाया, माधाव माधाव मुदैव धावनम नहीं धाव मानस्य संयोगमस्ति लक्ष्म्याः, यदि धाव मानस्य संयोगमस्ति लक्ष्म्याः स्वाधावमान सकदन्न धनाढ्यः। कहते अरे एक आदमी है दिन रात दौड़ता है, ओवर टाइम करता है, वहां जाता है, यहां भागता है, वहां भागता है, और तब उसको कहता मैंने बड़े पैसे कमा लिए। वो कहते हैं अरे किसी को, एक कोई व्यक्ति हमारे मंदिर में आते हैं और एक महिला, उस महिला को लॉटरी निकल आए, आती है वो महिला कभी कभी मंदिर में भी आती है, और लॉटरी उनकी तो मिलियन, कितने मिलियन की लॉटरी निकलाए, लेकिन उन्होंने अपना वो टैक्स भी गवर्नमेंट से नहीं लिया, वो गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं दिया, उन्होंने कहा ठीक है हमारे महीने को, हर महीने वो कितने हजार आते हैं, महीने के कितने, 2000 आते हैं, 4000 हफ्ते में, हफ्ते में 1000 आते लॉटरी से, अब उनको लक्ष्मी जी की कृपा अपने आप ही होगी, टिकट तो बहुत सारे लोग खरीदते हैं लेकिन कितना को एक महीने में $4000 घर में आ जाते हैं, आप सब लोग जानते हैं महिला को ही, तो ये वो कहते हैं कि अरे दौड़ने से लक्ष्मी नहीं मिलती, कुत्ता बेचारा दिन रात दौड़ता है उसको लक्ष्मी मिलती है, माधाव माधाव उदैव धावनम नहीं धाव मानस संयोगमस्ति लक्ष्म्याः, यदि धाव मानस संयोगमस्ति लक्ष्म्याः, यदि दौड़ने से लक्ष्मी मिल जाती तो स्वाधाव मान, कुत्ता दौड़ता है दिन रात तो सर कथन धरण, कुत्ता धनवान क्यों नहीं हो जाता बेचारा, उसको तो रोज रोटी खाना पड़ता है, तो कहां उसको पैसा मिलता है। और एक और बात करें, नीति शास्त्र कहता है आप देखो, आगता यदा लक्ष्मी नारिकेल फलांबुवत और निर्गता यदा लक्ष्मी गज भुक्तम कपित्थवत। लक्ष्मी जी जब जाती हैं तो कोई उनको रोक नहीं सकता, कैसे निकलती है कोई उनको रोक नहीं सकता, कोई उनको देख नहीं सकता, कोई उनको पकड़ नहीं सकता, माता जी कहां जा रही हो, ऐसे निकल जाती है कि मालूम नहीं पड़ता रात और रात, पता नहीं चलता कहां चली गई और कहां, इतने बड़े हमारे पास सब मकान थे, इतनी बढ़िया गाड़ियां थी, सब क्या हो गया, एक महीने बाद आए देखा रे तुम, तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारे मकान का बने मकान सब खत्म, तो क्या हुआ, कहानी सुनाता बेचारा ये हुआ वो हुआ कुछ भी हुआ, रातों रात का एक मिनट में लोहा पर जो भूकंप आया तो पता नहीं जो इतनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वापस कितने ही लोग खत्म, पता ही नहीं चला क्या हुआ, देखो सब
तो ये जो चीज है वो कहते हैं जैसे हाथी को एक फल बहुत प्रिय होता है, उसका नाम है कपित, कैत बोलते हैं, कैथा कैथे का फल, कपित जम्बू फल चारो भक्षण गजानन भूतला से भी था, कपित जम्बू फल चारो भक्षण, कपित के फल को हाथी खाता है। तो हाथी, हम लोगों ने जहां कहते कि पेड़ ऋषि के समय रहता था तो हम लोग जंगल में नीलकंठ महादेव के दर्शन करने जाते थे, तो वहां हाथी लोग देखते कोई जैसे जंगल से बेटा धीरे से जल्दी से निकल जाओ, हाथी रहते हैं, बहुत सारे हाथी रहते, तो हाथी कभी गुस्से में आ जाए तो वहां लोगों से वहां पर नुकसान पहुंचा देते, कई बार चोट लग जाते। तो वहां पर हमने देखा कि कहते कि पेड़ बोलिए कहते का तुमने उठाया उसको से फेंक दो बहुत हल्का सा, लेकिन जब पेड़ से तोड़ो तो बहुत भारी, जैसे बेल का फल होता है ऐसे कैथा बेल से छोटा छोटा होता है, इतने बड़ा बड़ा, उसको हाथी मुंह में खा जाता है, और हाथी मुंह में खाता है और खा के वो निकल जाता है उसके पेट से, खाने के बाद उसको निकाल देता है, और वो निकालता है जब खाता है तो उसमें वेट होता है, और जब निकलता है तो उसको हल्का होकर वेट नहीं होता, वो कैसे खा लेता है मालूम ही नहीं पड़ता कैसे, क्यों कहीं से टूटता नहीं है वो फल, कहीं से टूटता नहीं है, लेकिन उसका वो अंदर से उसका रस उसके वो अंदर जो जठराग्नि में ऐसी कोई मशीन फिट है हाथी के कि उसको ऐसे खाएगा और उसको छोड़ देगा वो जूसर, उसका सारा निकाल लेता है लेकिन कहीं से टूटता नहीं है, लेकिन जब वो हाथी के पेट से निकलता है उसके गोबर से तो वो बिल्कुल सूखा होता है, उसमें कुछ होता नहीं और हल्का होता है, और जब वो खाता है अभी खाएगा शाम को निकालेगा, शाम को उससे कुछ भी नहीं होगा। तो कहते हैं गज भोक्तम कपित फल, तो शास्त्रकारों ने उसका उदाहरण दिया कि जैसे हाथी के द्वारा खाए गए कैथे को कोई देखने से नहीं कह सकता कि इसको हाथी ने खा लिया होगा, लेकिन जो कैथा पेड़ से तोड़कर हाथी खाता है उसको जब गोबर करता है तो वैसा खा लेता है, लेकिन उसको कहीं से टूटता नहीं, पता नहीं चलता किसी ने कैसे खाया, हाथी ने खाया कैसे, आश्चर्य की बात है। बोले ऐसे ही जब लक्ष्मी जी जाती हैं तो किसी को मालूम नहीं पड़ता कि कौन से रास्ते से गई, कहां से गई, कैसे गई, ढूंढते रह जाते हैं हम लोग, कैसे अरे पैसा था हमारे पास क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, लाखों करोड़ों रुपए लोग लूट हो जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है, कहां चले जाते, तो वो और आती है तो आगता पिता लक्ष्मी, तो कहते हैं वो नारिकेल फलांबुवत, नारियल का फल, और नारियल का फल समुद्र पैदा होता है जमीन में, और उसकी इतनी ऊंचाई होती है 10-20-30 फीट ऊंचा होता है, 50 फीट भी ऊंचा होता है, इतना ऊंचा नारियल का पेड़, और उसके ऊपर नारियल लगा हुआ है, और वहां से जब उसको तोड़ो या टूट के जब गिरता है उसको नारियल को देखो, उसमें पूरा इतना पानी भरा होता है कि उसमें एक ड्रॉप की भी जगह नहीं होती, पूरा लबालब भरा होता है, पूरा भर जाता है। तो कैसे भरता है, कब भरा, कौन सी सिरिंज लेकर भरा किसी ने, वहां पर इतना लबालब भर दिया, किसने देखा भरते हुए, जैसे नारियल के फल को भरते हुए किसी ने देखा नहीं, ऐसे लक्ष्मी जब खजाने भरती हैं तो कोई पता नहीं चलता कैसे भर जाते हैं, कब भर जाते हैं, जहां आप सोच भी नहीं सकते कि इसको वैसा मिल सकता है उसको मिल जाता है। तो मैं आपको बता रहा था कि वो जो कथा थोड़ी सी सुन लीजिए कि वो बच्चा जो था बीच वाले को माँ बाप ने सोचा चलो छोटे को नहीं बड़े को नहीं जाना, छोटे को नहीं जाना चलो बीच वाले को दे दे। राजा के सिपाही आ गए बोले हाँ भाई आपको बच्चा देना था राजा को, ये लो 10 लाख रुपया 10 लाख सोने के सिक्के ये लो, उसको बड़ी थैली भर के आंग में पटक दिया। थोड़ा कष्ट तो हुआ कि हम अपने बच्चे को पैसे के बदले बेच रहे हैं, लेकिन बड़े थोड़ा खुशी भी हो रही थी कि जीवन भर आराम से खाएंगे पिएंगे, जी भर तो मौज आ गई, लेकिन बच्चे की ओर देखते हैं, लेकिन बच्चा बड़ा रो गए, कहते तुम इस पैसे के लिए मुझे क्यों दे रहे, छोटे को नहीं दे रहे बड़े को नहीं दे रहे मुझे क्यों दे रहे हो। उसने कहा चुप, जैसे हम बोलते हैं तुम्हें वैसा करना होगा, तुमको जाना पड़ेगा। बच्चा थोड़ा सा पहले तो थोड़ा सा दुखी हुआ, लेकिन बच्चे ने भी अपने मन में सोच लिया
कि जो माँ बाप में अपने पैसे के लिए मेरी मेरी परवाह नहीं करते, और माँ बाप के पास क्या रहना है, चलो चलते हैं। सिपाहियों से कहा ले चलो, जहां ले चलो ले चलो, मुझे मारना है मार डालो, बलि करा दो, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं तैयार हूं। अच्छा चला गया, राजा के पास पहुंचा। राजा से कहा महाराज देखो ये बच्चा है, लड़का तो बहुत सुंदर है बड़ा, चलो उसके लिए। वो महारानी ने कहा हमारे हमारे महल के पास में इसको निवास दे, निवास दिया। महारानी उसको बढ़िया प्रेम से भोजन कराती, उसको चार पांच महीने छह महीने को बढ़िया भोजन खिलाया गया, फल खिलाए, उसको मिठाइयां खूब बढ़िया, उसको जैसे बलि के बकरे को खूब खिलाया जाता है, खूब बढ़िया बलि को बकरा पहले उसको खूब खिलाते हैं तब उसको बलि देते हैं लोग, उसको खूब खिलाया। लेकिन आखिर कब तक बकरी की मां कब तक खैर बनाएगी, उसको तो मरना ही पड़ेगा। आखिर वो समय भी आ गया, अब उसको ठीक है भाई, अब तुमको बलि के लिए तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा समय है, आज तुमको बलि पर बलि चढ़ाने हैं, तुमको बलि चढ़ाएंगे लक्ष्मी मैया की बलि चढ़ने से, और तुम लक्ष्मी मैया प्रसन्न हो जाएंगी और हमारे घर में संतान हो जाएगी। राजा बड़ा खुश है, आज बलि चढ़ जाएगी और आज हमारे आगे हमारे घर में बच्चा होने की एक प्रोसेस प्रक्रिया बन जाएगी, क्योंकि गुरु जी ने ऐसा बोला है। लेकिन गुरु जी ने तो ऐसा बोला है, राम जी को क्या मंजूर है, राम जी क्या चाहते हैं? तो राम जी के भगवान के अगर किसी के ऊपर कृपा हो तो क्या कोई कर सकता है। थोड़ा सा माता जी का स्मरण करें। जय लक्ष्मी कल्याणी मैया, जय लक्ष्मी कल्याणी, जय लक्ष्मी कल्याणी मैया, जय लक्ष्मी कल्याणी, जय लक्ष्मी कल्याणी, जय लक्ष्मी कल्याणी, जय लक्ष्मी कल्याणी मैया, जय लक्ष्मी कल्याणी, जय लक्ष्मी कल्याणी मैया, जय लक्ष्मी कल्याणी। दर्शन महारानी दर्शन महारानी दर्शन महारानी मंगल में पावन मैया, मंगल में पावन मैया, कृपा सदा बरसावे, कृपा सदा बरसावे। दीन दुखी शरणागत जन के, दीन दुखी शरणागत जन के, बिगड़े काज बनावे, बिगड़े काज बनावे। मंगल में पावन मैया, कृपा सदा बरसावे, मंगल में पावन मैया, दीन दुखी शरणागत जन के, बिगड़े काज बनावे, दीन दुखी शरणागत जन के, बिगड़े काज बनावे। अनंत महादानी मैया, तू अनंत महादानी, तू अनंत महादानी मैया, तू अनंत महादानी। जय लक्ष्मी।
उस बेचारे ने कोई पूर्वजन्म का उसकी कोई तपस्या नहीं, साधना नहीं, शांति से बैठा है। राजा ने कहा बच्चे तुम्हारी बलि चढ़ने वाली है, तुमको कुछ इच्छा है, तुम्हें कुछ खाना पीना, तुम्हें कुछ चाहिए? उसने कहा हाँ हमारी एक इच्छा है। तो क्या इच्छा है? बच्चे ने कहा हमें थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। मिट्टी? लोग हंसने लगे, देखो हम मर रहा है मिट्टी मांग रहा, पागल ही। राजा ने कहा मिट्टी का क्या करोगे? बोले हम खेलेंगे। बच्चा ही तो था। अच्छा मिट्टी से खेलो, ठीक है भाई इसके लिए मिट्टी मंगाओ। मिट्टी मंगाई। कैसी मिट्टी? वो थोड़ी सी गीली गीली हो, बहुत ज्यादा गीली ना हो। जैसे कई बार हम लोग नदी के किनारे जाते ना, तो बच्चे वहां पर मिट्टी को ऐसे करेंगे, मिट्टी से खेलते रहेंगे, पैर के ऊपर घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे अपना, ये मेरा मकान बन गया, ये मेरा मकान। बच्चे ऐसे, उसने क्या किया, बोले और मिट्टी मंगाओ, थोड़ी और मंगाओ, थोड़ी सी और मंगाओ। बोले तुम करोगे क्या? हम खेलेंगे। अच्छा खेलो। सारी प्रजा बैठी है और वो अपना मिट्टी से खेल रहा है। उसने क्या किया, उसने तीन घरौंदे बनाए, घर बनाए, छोटे छोटे घर जैसे बनाए उसने मिट्टी के, तीन घर बनाए और तीनों को देखने लगा। इसको देखे, फिर इसको देखे, फिर इसको देखे, फिर इसको देखे, फिर इसको, फिर इसको, तीनों को देखे। वो आराम से खेल रहा है बड़ी मौज में मिट्टियों, मिट्टी से घर देखा। उसके बाद में राजा ने कहा देखो बेटा बहुत देर से सारी सभा लोग बैठी हुई है, तुम्हारी बलि चढ़ानी है और तुम अभी अपना खेल बंद नहीं कर रहे हो। बोले ठीक है थोड़ी देर और खेल लूं, बाद में तो मेरी बलि आप चढ़ाई दोगे, मेरा थोड़ी देर और खेलने में मेरा मन भर जाएगा, चलो खेलो। खेल रहा है बड़े आराम से, उस एक घर को देखता है, दूसरे को देखता है, तीसरे को देखता है, उनको छूता है, ऐसे करके धीरे से एक घर को उसने तोड़ दिया, फिर दूसरे को भी उसने तोड़ दिया, तीसरा घर उसको देख रहा है, उन लोगों से तीसरे को भी तोड़ेगा, तीसरे को नहीं तोड़ा। और राजा से बोला महाराज मेरा खेल हो गया, आपको जो करना है करो, लेकिन ये तोड़ना नहीं है। बोले नहीं ये नहीं तोड़ना। तो ये क्यों नहीं तोड़ना? राजा पूछता है। बोले महाराज ये मेरा खेल मेरा है, आप उसे क्या लेते हैं? भाई घर मैंने बनाए, तीनों मैंने दो तोड़ दिए, एक नहीं तोड़ा, आपको आपको क्या लेना? क्या नहीं बेटा तुम्हें बताओ। बोले देखो ये मेरी पर्सनल बात है। बच्चा कहता ये मेरी पर्सनल बात है, ये मैं नहीं बताऊंगा। राजा ने कहा देखो हमारा काम रुका है, इतनी प्रजा है, तुम्हारी बलि चढ़ानी है, लेकिन तुम अगर तुम क्यों नहीं बताओगे? बोले बड़ा राज है और इसलिए बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। बच्चा कहता राजा से कहते तुम्हारी समझ की बात नहीं है, तुमको लड़का चाहिए, तुम मेरी बलि चढ़ाओ, मैं तैयार हूं, मेरा खेल हो गया, मेरा खेल था, मैंने खेल लिया, लेकिन वो मैंने किस लिए खेला वो थोड़ी मेरी पर्सनल बात है, तुम्हारे समझ की बात नहीं है, ये तुम्हारी बहुत बाद में समझ में आएगी, अभी तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। राजा ने कहा तू हमको चैलेंज कैसे करता है कि हमारी समझ में नहीं आएगी? हम इतने बड़े राजा हैं, हमारी इतनी बढ़िया बुद्धि है। लड़के ने कहा अच्छा नहीं तुमको बतानी पड़ेगी। बच्चे ने कहा देखो तुम तो राजा हो और मैं मेरी तो आप बलि चढ़ा रहे हो, मुझे तो वैसे ही मार रहे हो, मैं क्या कर सकता हूं? चलो आपका ज्यादा जबरदस्ती आप पूछना चाहते तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मैं बता देता हूं क्यों नहीं मैंने एक ही घर तोड़ा। उसने कहा देखो राजा ये हमने एक घर तोड़ा, ये मैंने तीन घर बनाए थे, तो तीन घर में एक घर जो मैंने तोड़ा है ये मैंने अपने माता पिता का घर बनाया था, क्योंकि आदमी कहीं घर में रहता है ना अपने लिए, घर की बच्चे कल्पना करते हैं तो घर अपने लिए बनाते हैं ना, ये मैंने अपने माता पिता का घर बनाया था, वो मैंने तोड़ दिया। वो मैंने क्यों तोड़ दिया? क्योंकि माता पिता का मेरे साथ मोह नहीं, जिन माता पिता ने 10 लाख सोने के सिक्के लेकर मेरे को मरने को दे दिया, वो माता पिता से तो मेरा संबंध टूट गया। अब वो तो मैं भगवान से ये भी नहीं कहूंगा कि अगले जन्म में मेरे माता पिता बने, जो पैसे के लिए जिन्होंने मुझे बेच दिया तो वो मेरे कायक माता पिता, मैंने ये घर तोड़ दिया। दूसरा बोले दूसरा घर मैंने आपका बनाया था, क्योंकि राजा जो होता है वो माता पिता जिसका साथ ना दे, जिसके माता पिता मर जाए
उसको राजा पालन पोषण करता है। जिसका माता पिता नहीं होते राजा उसका माता पिता होता है। लेकिन तुमसे कुछ आशा थी, तुम्हारे साथ रह रहे थे, अब तुम भी मुझे लक्ष्मी माता की भेंट चढ़ा रहे हो, तो ये घर भी मैंने तोड़ दिया। तुमसे भी कोई सहारा तो नहीं है ना मुझे, मैं तो तुम तो बाहर डालोगे। अब रहा तीसरा घर, ये तीसरा घर किसका है? तीसरा घर राम जी का है, ठाकुर जी का है। दुनिया वाले ठुकरा देंगे, लेकिन ठाकुर जी तो वो भगवान की शरण में तो हमें रहना पड़ेगा। भगवान बड़े दयालु हैं, मर के हमें जाएंगे तो भगवान के पास जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। जिस योनि में भेजेगा, जहां भेजेगा, वो मालिक है सबका। हमने उसका घर मैंने नहीं तोड़ा, उसका घर मैं कैसे तोड़ दूंगा? उसके घर से तो मुझे आशा है, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। तुम्हारी आशा खत्म, परिवार की आशा खत्म, ये मैंने नहीं तोड़ा। उसने राजा को देखा, राजा ने कहा कि ये बच्चा इतनी बढ़िया बात करता है, इसको भगवान के ऊपर इतना भरोसा है। उसने प्रजा को आज कहा कि आज हम इसकी बलि का प्रोग्राम फिनिश करते हैं, समाप्त करते हैं। ऐसा करते हैं, अगली साल अगली दिवाली आएगी ना, तो हम इसकी बलि को छोड़ेंगे। अभी एक एक साल इसको और हमारे घर में रहने दो। राजा उसके पास बैठते बोले, और बात बताओ बेटा, वो ऐसी बढ़िया बढ़िया बात करे, वो तो बढ़िया फिलोसोफर था, कोई पूर्व जन्म का कोई साधु था, क्योंकि ऐसे जन्म जन्म मुनि जतन करा ही अंतराम कहीं आवत नहीं, ऐसी समझदारी की बात अंतिम समय में जीवन में आ जाए किसी के, तो वो तो बालक। राजा की मन, राजा का मन धीरे धीरे परिवर्तित हुआ। राजा कहता है कि इसकी हम बलि चढ़ाएंगे, और बलि चढ़ा के हमको बच्चा होगा कि नहीं होगा कौन जाने, भगवान के ऊपर कोई लक्ष्मी माता में बच्चा दे ही देंगी, जरूरी है। हो गया तो उसकी कहीं वोल्टा हो गया तो कोई रोक सकता है, वो कहीं पागल हो गया तो कोई रोक सकता है? कितने बच्चे विकलांग पैदा हो जाते हैं, और उसके बाद में वो पढ़ा लिखा होगा, वो पढ़ने लग जाएगा, तो इतना बड़ा समझदार बच्चा होगा कि नहीं होगा कौन जाने। राजा ने सोचा छोड़ो। राजा ने फिर अपनी सभा बुलाई अगली दिवाली पर, और सब लोगों को कहा देखो हमने निश्चय कर लिया, आप सब लोग आओ। बड़ी तैयारी करी और उस सिंहासन बनाया सिंहासन पर, और उसको अभिषेक करके उसको कहा ये हमारा बेटा है, और हमने इसको राजकुमार बना दिया। लक्ष्मी माता की उसके ऊपर कृपा ऐसी हुई, देखो जिस पैसे के लिए बच्चों ने, जिन बच्चों को रख लिया था उनको 10 लाख, कितने अमीर बनेंगे वो, लेकिन जिसको बिल्कुल निकाल दिया, जिसका कोई नहीं, उसके ठाकुर जी उसकी रक्षा करते हैं। तो इसलिए एक पंक्ति गुनगुनाते हुए कृपा को विश्राम। जिन कोई नदी राम तुम हो, जिन कोई नदी राम तुम हो, राम राम तुम हो, राम तेरा सहारा सच्चावन और सहारे झूठे, 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 जाए संसार में तेरा ज्ञान झूठे, सत्य दया शांति का
धन्यवाद, आरती करेंगे बड़े श्रद्धा से।